स्टार्ट हो सीधे करो वन टू थ्री सीधे करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो रीचिंग कराना है आपको बच्ची का पकड़ो 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 काले से रीचिंग कराओ पकड़ो पकड़ो महेश पकड़ो गेट बाय जल्दी पकड़ो अरे वाह शाबाश रीच कर लिया आपने बहुत अच्छा किया अब आपको मुझे वापस देना है थैंक यू कुछ और पकड़ेंगे मैं आपको येलो वाला ही पकड़ा पकड़ो पकड़ो शाबाश देखो देखो गुड बॉय रीच करो बैलेंस बनाओ कोशिश करो पकड़ो इधर देखो जल्दी पकड़ो शाबाश गुड बॉय बनाओ शाबाश वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पकड़ो पकड़ो शाबाश 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 तो हमको बच्चे का बैलेंस बढ़ाने के लिए दाएं बाएं से चीजें पकड़ना जरूरी है रिचिंग कराना दाएं से ऊपर से बाएं से इवन समझा है पुश करना है इसको हल्का सा कभी इधर करना है कभी इधर करना है कभी लेफ्ट में कभी राइट में कवर पे से स्टूडेंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चा 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 वन टू थ्री फोर 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 शाबाश इस प्रकार से आप कर सकते हैं उसको बैलेंस बनाने के लिए दोनों पैरों पर से देखिए ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए ये ऑर्थोपेडिक एड पहन रखे हैं और इससे जो है इसके लोअर लेग बिल्कुल सीधे हैं और थोड़ा टिल्ट होता है इंटीरियर टिल्ट लिए तो हम इसको हल्का प्रेशर देकर सीधा कर सकते हैं कमर को इससे बड़ा होता है इस प्रकार से हम इसको छोटे शोल्डर को भी इसको आगे करेंगे हल्का सा पीछे करता है तो शोल्डर प्रोटेक्टेड करेंगे हाथ ऐसे रखेंगे और एक कुछ काउंटिंग करेंगे इससे वो एक्सपीरियंस ले स्टैंडिंग का वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू ओके इस प्रकार से बच्चों को प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टैंडिंग ओके थैंक यू